ही में हम देख रहे थे कुछ दिन पहले कुछ और परीक्षा या फिर कहेंगे कुछ और एडवर्टाइजमेंट जो है जारी की है, उसके बारे में हम चाहेंगे कि तमाम अभ्यर्थियों को दर्शकों को पता चले, आप बता दीजिए। हमने अभी लास्ट जो एडवर्टीजमेंट की है वो जो एडवर्टीजमेंट की है 6100 समथिंग कुछ कैंडिडेट्स की है, जिसमें पुलिस के स्टाफ का वो है, 5600। हाँ 6100 टोटल है, जिसमें ईएसपी भी है, स्पोर्ट्स कोटा भी है और पुलिस का है। तो उन लोगों को अभी किया है, तो रूटीन में जो एक कैलेंडर टाइप हमने कोशिश करी है बनाने की, तो उस कैलेंडर में वो हुआ है, तो उसमें हमने लास्ट डे अभी कुछ आई थिंक 16 को या 15 को हम लोगों ने उसको वो किया, और प्रोसेस है ये कंप्लीट। एग्जाम का शेड्यूल है सबका, एडवर्टीजमेंट कंप्लीट हो चुकी है, एग्जाम जो अभी तक शेड्यूल हुए थे वो उसी तरीके से एग्जाम चल रहे हैं। ग्रुप वन का एग्जाम हो चुका है, ग्रुप टू का हो चुका है, कल 56 का हुआ है, आज 57 का हुआ है, नेक्स्ट में 25th को हमारा पुलिस का एग्जाम है, जो टीजीटी बिल्कुल शेड्यूल है हमारा पूरे को सिस्टम का। लेकर के भी कुछ निकाले हैं आपने पद, और जो कुछ कुछ किस तरीके की भर्ती टीजीटी होगी? के रिगार्डिंग हमने कोई पद नहीं निकाले हैं अभी, हमने पीआरटी के पद निकाले हैं, अच्छा, पीआरटी के प्राइमरी टीचर्स के, तो जी वो भी है। वो 10-12 साल से कुछ ऐसा था कि लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, अभी पीआरटी का भी हमने कुछ पोस्टें हैं उसको एडवर्टाइज किया है। 369 पद पर भी हम देख रहे थे सर कुछ, आप ये जो नोटिस आपके इस वक्त हम देख रहे थे। ये स्पोर्ट्स कोटे का है, 369 है, ये स्पोर्ट्स कोटे का है, ईएसपी की ये वैकेंसीज हैं, ये एडवर्टाइज की है पुलिस की वैकेंसी के साथ। टीजीटी में आप कह रहे हैं कि आपने अभी कोई ये 76 पदों का, क्योंकि हम देख रहे थे ये बेहतर हुआ आपने अभी इसी लाइव के अंदर ये करेक्शन जो है अगर की है, अगर इस तरीके का कुछ नहीं हाँ है। इसके अलावा जो है कांस्टेबल 66 मेल कांस्टेबल जो घुड़सवार सशस्त्र, 66 ये टोटल जो नंबर है, इसका नंबर 4000 पुलिस कांस्टेबल का है, 1000 पुलिस का फीमेल्स का है, कुछ घुड़सवार का है, ये ऐसे ऐसे बाइफर्केशन है इनका, और ईएसपी का मिला के 6100 का एडवर्टीजमेंट है। जो लास्ट एडवर्टीजमेंट है वो 6100 का है। चेयरमैन साहब हमने देखा कि कई बार आप जो परीक्षाएं हैं इससे पहले कुछ अभ्यर्थियों से हमने बात की, जब हम सेंटर पे गए तो उनका कहना था कि मामला जो है कोर्ट के अंदर चला जाता था, भर्ती लटक जाती थी, क्योंकि आपका पीछे बैकग्राउंड जो है वो वकालत से भी जुड़ा रहा है और इस प्रकार के मामलों को भी आपने देखा है एजी ऑफिस में। इस बार ये तमाम चैलेंजेस नहीं आएंगे, क्या सुनिश्चित किया है आपने, किस तरीके से देखा नहीं, है? चैलेंजेस तो आ रहे हैं और चैलेंजेस आएंगे भी, कुछ लोग तो कोर्ट जाएंगे, लेकिन हमें यह है कि जब हम एज पर प्रोसेस जो कर रहे हैं, अगर हमारे प्रोसेस में कोई लैप्स नहीं है तो कोर्ट भी उस चीज को आइडेंटिफाई करता है कि इसमें कोई लैप्स नहीं है, इट मीन्स पिटिशनर को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। अगर हमने कोई लैप्स है हमारी रिक्रूटमेंट में, हमारी एडवर्टीजमेंट में, तो कोर्ट उसको आइडेंटिफाई करेगा और पिटिशनर को रिलीफ देगा। सिर्फ हम लोग ये है कि एज पर नॉर्म्स जो हमारी एडवर्टीजमेंट है, हमारे रूल्स हैं और जो एग्जिस्टिंग जजमेंट्स हैं, अभी एज ऑन डेट जो जजमेंट्स एप्लीकेबल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं, तो इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। पिछले कुछ लंबित भर्तियां या फिर कुछ ऐसे मामले जिनको लेकर के एचएसएससी अब आगे विचार करने जा रहा है, या कुछ आप बता सकते हैं इसको लेकर? हम सभी भर्तियों को कंसिडर कर रहे हैं जो लिटिगेशन में है, उन केसेस को रिव्यू कर रहे हैं, उसकी स्पेशल टीम बनाई है और वो रिव्यू कर रही है, जैसे ही चीजें रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली उनके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे हम लोग। अभी तक आपने कितनी जो भर्तियां हैं आप करवा चुके हैं जब से आपने कार्यकाल संभाला है, आपके कार्यकाल में क्या क्या चीजें हुई? 12,000 लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है इस नए कमीशन के साथ, तो वो मेरे कार्यकाल से उसको ना जोड़े आप, हमारा कमीशन है, नए कमीशन ने 12,000 की ज्वाइनिंग अभी तक करवा दी है। कुछ कोर्ट की भी पेचीदगियां थी, इस बार डिफरेंस क्या है, क्योंकि ग्रुप 57 की परीक्षा, 56 की परीक्षा इससे पहले कोर्ट की पेचीदगियों में रही थी, इस बार क्या डिफरेंस रहेगा? कोर्ट का मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिला है, कोर्ट का मुझे बेनिफिट इस तरीके से मिला है क्योंकि मेरा कोर्ट का एक्सपीरियंस रहा है, कोर्ट के एक्सपीरियंस की वजह से जो केसेस थे हमने उनको अच्छे से हैंडल कर लिया, जो कोर्ट्स के जो इश्यूज आते हैं उनको रिजोल्व करने की कोशिश की है। कुछ लोग गए हैं कोर्ट्स में, किसी को रिलीफ भी मिला है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो प्रोसेस था वो कहीं भी डिरेल नहीं हुआ, टाइम टू टाइम हम लोग वो करें, और कुछ कैंडिडेट्स ने तो सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया लेकिन रिलीफ कहीं पे भी नहीं मिला उन लोगों को, क्योंकि हमने प्रोसेस के अकॉर्डिंगली और एज पर लो जो बाकी जजमेंट्स थे उनके फॉलो करके हम एग्जाम की तैयारी करा रहे। आपने हाल ही में हम देख रहे थे कुछ दिन पहले कुछ और परीक्षा या फिर कहेंगे कुछ और एडवर्टाइजमेंट जो है जारी की है, उसके बारे में हम चाहेंगे कि तमाम अभ्यर्थियों को दर्शकों को पता चले, आप बता दीजिए। हमने अभी लास्ट जो एडवर्टीजमेंट की है वो जो एडवर्टीजमेंट की है 6100 समथिंग कुछ कैंडिडेट्स की है, जिसमें पुलिस के स्टाफ का वो है, 5600। हाँ 6100 टोटल है, जिसमें ईएसपी भी है, स्पोर्ट्स कोटा भी है और पुलिस का है,
तो उन लोगों को अभी किया है। तो रूटीन में जो एक कैलेंडर टाइप हमने कोशिश करी है बनाने की, तो उस कैलेंडर में वो हुआ है, तो उसमें हमने लास्ट डे अभी कुछ आई थिंक 16 को या 15 को हम लोगों ने उसको वो किया, और प्रोसेस है ये कंप्लीट। एग्जाम का शेड्यूल है सबका, एडवर्टीजमेंट कंप्लीट हो चुकी है, एग्जाम जो अभी तक शेड्यूल हुए थे वो उसी तरीके से एग्जाम चल रहे हैं। ग्रुप वन का एग्जाम हो चुका है, ग्रुप टू का हो चुका है, कल 56 का हुआ है, आज 57 का हुआ है, नेक्स्ट में 25th को हमारा पुलिस का एग्जाम है, जो बिल्कुल शेड्यूल है हमारा पूरे। हमने पीआरटी के पद निकाले हैं, पीआरटी के प्राइमरी टीचर्स के, तो वो भी है। वो 10-12 साल से कुछ ऐसा था कि लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, अभी पीआरटी का भी हमने कुछ पोस्ट है उसको एडवर्टाइज किया है। स्पोर्ट्स कोटे का है, 369 है ये, स्पोर्ट्स कोटे का है। ईएसपी की ये वैकेंसीज है, ये एडवर्टाइज की है पुलिस की वैकेंसी के साथ, कुछ नहीं है। इसके अलावा जो है कांस्टेबल 66 मेल कांस्टेबल जो घुड़सवार 66, ये टोटल जो नंबर है इसका नंबर 4000 पुलिस कांस्टेबल का है, 1000 पुलिस का फीमेल्स का है, कुछ घुड़सवार का है, ये ऐसे ऐसे बाइफरकेशन है। अच्छा। इनका और ईएसपी का मिला के 6100 का एडवर्टीजमेंट है, तो लास्ट एडवर्टीजमेंट है वो 6100 का है। भर्तियां या फिर कुछ ऐसे मामले जिनको लेकर के एचएसएससी अब आगे विचार करने जा रहा है, या कुछ आप बता सके इसको लेकर? हम सभी भर्तियों को कंसीडर कर रहे हैं जो लिटिगेशन में है, उन केसेस को रिव्यू कर रहे हैं, उसकी स्पेशल टीम बनाई है और वो रिव्यू कर रही है, जैसे ही चीजें रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली उनके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे हम लोग। अभी तक आपने कितनी जो भर्तियां हैं आप करवा चुके हैं, जब से आपने कार्यकाल संभाला है, आपके कार्यकाल में क्या क्या चीजें? 12,000 लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है इस नए कमीशन के साथ, तो वो मेरे कार्यकाल से उसको ना जोड़े आप, हमारा कमीशन है, कमीशन ने 12,000 की ज्वाइनिंग अभी तक करवा दी है, जो 2 महीने के टाइम में है, और मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छा नंबर है। विद इन 2 मंथ्स हम 12,000 करा पाए, और उसके बाद लिटिगेशन भी था, चीजें थी, सुप्रीम कोर्ट तक आप लोगों ने देखा हम लोग गए हैं, 12,000 लोगों का करा पाए हैं अभी तक, और आगे भी हम बड़ी विज्ञापन जारी किया है, इसमें कुल कितनी भर्तियां हो जाएंगी अभी जो हाल ही में की? अभी जो विज्ञापन अभी पेंडिंग है अप्रोक्सीमेट 45,000 के आसपास का अभी जो नंबर है वो एडवर्टाइज है, हो चुका है, एडवर्टाइज हो चुकी है अलग अलग नंबर पे। जैसे आज जो कैंडिडेट्स हैं 56 और 57 में, इसमें 16,000 पोस्ट है। अच्छा। पुलिस का है जो एग्जाम होना है 25th का, वो 6,000 पोस्ट है, तो ऐसा जो नंबर है वो 45,000 के आसपास का। रिजल्ट और ज्वाइनिंग कब तक उम्मीद करें? जैसे जैसे प्रोसेस आएगा एमसीसी में, इसलिए बार बार पूछने का कारण भी यह है क्योंकि अभ्यर्थियों को इंतजार होता है, अभी तक जो देखा भी कि हम परीक्षा तो दे देते हैं लेकिन फिर वो कहीं कोर्ट में अटक गई या फिर कहीं कोई जो है लीक का मामला आ गया, कुछ ऐसी चीजें आ गई। अभी जितनी कोर्ट में हुआ है अभी तक जो चीजें हुई है 2 महीने में, तो 2 महीने में मुझे नहीं लगता कोई आप एक केस ऐसा आप बता पाएंगे जिसमें हमारे किसी कोर्ट ने हमें कुछ ऐसी चीज करी है जिससे हमारा प्रोसेस जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो डिरेल हुआ। एक भी जजमेंट नहीं है ऐसा, कोई भी नहीं है, तो हम बिल्कुल ट्रैक पे हैं और उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। जैसे जैसे आएंगे, कल हमने एग्जाम लिया, 12 बजे एग्जाम खत्म हुआ है, और अगर एक्स्ट्रा टाइम की बात करें तो 12:35 तक सभी एग्जाम खत्म हो गए। शाम को 6 o'clock हमारा आंसर की था साइट पे, इससे ज्यादा कमीशन की स्पीड नहीं हो सकती, तो हम स्पीड से कर रहे हैं चीजों को। सितंबर में जो परीक्षा हो रही है उनका रिजल्ट कब तक समझेंगे? बड़ा जल्दी करेंगे और उसमें देख पाएंगे एमसीसी में क्या क्या चीजें एप्लीकेबल है, किन चीजों को हम कर सकते हैं, किन चीजों को हम नहीं कर सकते, मॉडल ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें इमीडिएटली करेंगे। तो क्या जो आगे भर्तियों को लेकर के जो पूरी जो प्रक्रिया है, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सवाल आ जाएगा, तो क्या ये मान करके चले कि इन तमाम चीजों से निकल करके आप कब तक ज्वाइनिंग करवा देंगे? हमने अभी तक भी जो करा है, लास्ट डे जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा है उस दिन भी उसी स्पीड से काम हुआ है और आज भी उसी स्पीड से काम हो रहा है, एग्जाम्स हो रहे हैं। कुछ मीडिया में कुछ, जैसे मैंने लास्ट टाइम लेटर भी आप लोगों ने मीडिया में भी सर्कुलेट हुआ है, कुछ लोग यूट्यूबर्स जिनको कई बार कोर्ट की जजमेंट का उतना नॉलेज नहीं होता, वो कुछ इस टाइप का भ्रम फैला देते हैं, उनको भी हमने आगाह किया कि आप ऐसा ना करें। और एक प्रोसेस है सिलेक्शन का, एग्जाम होगा उसके बाद रिजल्ट प्रिपेयर होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है। जब हम 2 महीने में 12,000 कर सकते हैं तो उसी यही स्पीड आप आगे हमारी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बड़ी जल्दी सारी चीजें होने वाली हैं। किसी भी चीज का जो आगे एग्जाम होने वाला है उस पर मैं आज कमेंट करूं वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा।